नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अबू धाबी के बारे में। काफी टाइम के बाद में अबू धाबी की कोई नई अपडेट आई है, बता दूं। जी हाँ साथियों, अबू धाबी में आपको पता है भाई, काफी टाइम से सिस्टम क्लोज था वहां के। दुबई से भी अबू धाबी जाने के लिए आपको पता है पहले पीसीआर टेस्ट करवाना, उसकी रिपोर्ट आती, उसके बाद वो जा सकते थे। ऐसे जाना नहीं, चेकिंग पॉइंट बने हुए थे वहां पे, पूरी एंट्री होने के बाद एंट्री होती थी, वरना तो आम आदमी नहीं तो इधर से उधर, उधर से इधर आ जा नहीं सकता था। ऐसे फ्लाइटों का सिस्टम था। लेकिन अभी जी हाँ साथियों, दुबई अबू धाबी एकदम तैयार है 24 दिसंबर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। जी हाँ साथियों, 24 दिसंबर से अबू धाबी ने एकदम फ्री ओके सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया है। अब उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी किए, इस तरह से अगर आप आते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, वो गाइडलाइन क्या वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो में पूरा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड, गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है भाई, अबू धाबी या दुबई कोई सिस्टम तो सेम ही है, 96 आवर्स पहले का वैलिड आपके पास पीसीआर कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ साथियों, वो आपको यहाँ से इंडिया से चाहे आप किसी भी कंट्री से लेके जाते हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे आपका फिर एक दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, वो वहां की सरकार का होता है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद में उसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी गई है, वो देख लीजिए। उन्होंने ये बताया कि भाई मान लीजिए आप ग्रीन कंट्रीज हैं। ग्रीन कंट्रीज का मतलब होता है जिन कंट्रीज में कोरोना कम है, जो बहुत उनकी लेवल अच्छा है, उनको क्वारंटाइन की सुविधा नहीं, उनको बिना क्वारंटाइन ही वो अंदर प्रवेश कर सकेंगे, अबू धाबी में वो अपना काम कर सकेंगे, क्वारंटाइन की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो क्वारंटाइन जो ग्रीन में नहीं है, जो रेड में है, या फिर अलग कैटेगरी में आती है जिसमें कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जी हाँ, उनको अलग से क्वारंटाइन किया जाएगा 10 दिन के लिए। आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, वहां की सरकार ने बिल्कुल आदेश दिया है। उसके बाद आपका एक दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में आप अपना नॉर्मली काम कर सकते हैं अबू धाबी में जाकर। आगे उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर उनके साथ में कोई और, जैसे आप अबू धाबी पहुंचे, आपके साथ में और भी लोग हैं, आपके साथ में रह रहे हैं, उनको भी फिर कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा 10 दिन के बाद में। आपके साथ में जैसे आप एक रूम में आप गए, यहाँ से आप किसी के साथ में क्वारंटाइन रह रहे हैं, तो आपके साथ में लोग और है ना, उनका भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा 10 दिन के बाद में। ये सरकारी गाइडलाइन बताई अबू धाबी गवर्नमेंट ने। अधिकारियों ने आगे ये भी बताया कि अबू धाबी के जो चेकिंग पॉइंट थे, जो जैसे दुबई से, शारजा से या रसल खेमा से अलग अलग स्टेटों के लोग अबू धाबी जाते थे, वहां पे चेकिंग होती थी, उन पॉइंटों को हटा दिया गया है और उसकी जगह उसको अलग से कर दिया गया। वहां पे टेस्ट जो परीक्षण है उसका 48 घंटे की बजाय 72 घंटे कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यानी आप जैसे अबू धाबी से दूसरी स्टेट से वहां जाते हैं, तो 72 घंटे पहले का आपके पास कोविड है टेस्ट, तो आप आराम से अबू धाबी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर मोटा मोटी देखें तो ये भाई अबू धाबी आप जा सकते हैं, यहाँ से कोविड की रिपोर्ट लेके जाती है, जानिए 96 आवर्स पहले की पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एयरपोर्ट पे होगा, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे होता है। उसके बाद आपको अगर आप इंडिया पाकिस्तान इनसे हैं तो 100% आपको क्वारंटाइन होना है 10 दिन के लिए। आप जिस जहाँ पे रहेंगे, फिर आपके साथ में लोग हैं, उनका भी फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा, आप अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूएई में जो लोग रहते हैं वो अबू धाबी जाना चाहते हैं, तो 72 आवर्स पहले की आपके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, आप अबू धाबी जा सकते हैं। सिंपल फंडा यही है, बाकी अबू धाबी स्टार्ट हो चुका है, अबू धाबी जाने के इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। बस ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।